हाय एवरीवन दिस इज वे आज का टॉपिक है भोतिया दान ये एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है उत्तराखंड से इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील्ड क्या था तो वी कैन मेक डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए भोतिया दान मतलब ये कारपेट्स है रग्स जिस तरह से आप देखते हैं Uh, भोतिया दान उनको कहा जाता है एक यूनिक तरह की कारपेट है जो कि हाथ से बनाई जाती है हैंड नॉटेड रहती है पूरे तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स जो हैं स्टेट uh, ऑफ उत्तराखंड के वहाँ पे एक ट्राइब है भोतिया ट्राइब वो अपने रोजगार के लिए ये कारपेट्स जो हैं वो बनाते हैं पर्टिकुलरली उत्तरकाशी चमोली पित्तौड़गढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ये बनती हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसको जी टैग दिया गया है इस कारपेट को हैंड नोटेड कारपेट्स हैं प्योर वूल से बनाई जाती हैं कन्वेंशनल जो नॉर्मल डिज़ाइंस होते हैं वो आपको इन कारपेट्स पे मिलेंगे लेकिन डेफिनेटली ये जो भोतिया ट्राइब है इनके जो कल्चरल थीम्स हैं इनके डिज़ाइंस उनसे इंस्पायर जरूर होते हैं जो आपके पुराने तिब्बतन कार्बेट्स रग्स जो होते हैं उनसे मिलते जुलते ही आपको दिखेंगे डिज़ाइंस में यूजली जोमेट्रिक पैटर्नस दिखेंगे और बहुत ही सुंदर अपेयरेंस कलरफुल अपेयरेंस इनका रहता है डाइज़ यूज़ की जाती हैं कलर करने के लिए वुलन थ्रेड्स को डाई का इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरल डाइज यूज़ की जाती हैं जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से लेके जो कलर्स बनाए जाते हैं जो शीप इसको बनाने के लिए वूल प्रोवाइड करती है जो ट्राइब्स हैं वो उसको पालते हैं रेयर करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे और हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग वूल आपको सॉफ्ट वूल मिलती है जिससे कारपेट्स बनाए जाते हैं और सूटेबल वम्थ भी आपको इन कारपेट्स से मिलेगी ये कारपेट्स जो हैं लोकल अपने जो हैं जिनको जो बनाते हैं ट्रेडर्स को बेच देते हैं जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेच देते हैं जो कि उनको लिमिटेड इकोनॉमिक रिटर्न्स देते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता क्योंकि ट्रेडर्स को डायरेक्टली देते हैं तो इतना ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं है तो ट्रेडर्स को बेच दिया ट्रेडर्स सस्ते में लेके आगे महंगा इनको बेचेंगे तो क्राफ्ट्समैन को लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा मिलता है ये जो हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं प्योर वूल के बने होते हैं काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं शेल्फ लाइफ इनकी 20 से 40 साल तक होती है इतनी देर ये कारपेट आपका चलेगा ख़राब नहीं होगा इंटायरली हाथ से ये बुने जाते हैं और या फिर जो ट्रेडिशनल मशीन्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे लोकल चरखाज हो गए भागेश्वरी चरखा कांठ पंजा नाइफ़ लूम ये सब यूज़ करके इनको बनाया जाता है अब देखिए हाई माउंटेनियस रीजन्स जो हैं उत्तराखंड के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है ये एरिया बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन नॉलेज कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और लिमिटेड रिसोर्स में लोग ये सब काम करते हैं और ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये अपनी ट्रेडिशनल हेरिटेज को आर्ट एंड क्राफ्ट को बचा के रखना चाहती हैं ताकि इनसे Uh, इनकी नई जनरेशन भी ये काम सीखती रहे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इनको उस चीज़ के लिए मिलते रहें अब ये जो रजिस्ट्रेशन है इस भूतिया दान के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अब इससे एक ब्रांड वैल्यू इस कारपेट को इस रग को मिलेगी रेपूटेशन मिलेगा तो अब इसको बेचने जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा इससे इनका कंज्यूमर बेस इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको डायरेक्टली भी मिलेगा उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशनस हैं वो इम्प्रूव होंगी ये जो कम्युनिटीज़ हैं एनहैंस्ड प्रोस्पेक्ट्स इनके ट्रेडिंग के अक्रॉस बॉर्डर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को जी टैग मिलता है तो उसकी डिमांड बाकी जगह पर भी इंक्रीज होती है तो पैसा उस चीज़ के ज्यादा मिलेंगे अब इसका प्रूफ ऑफ ओरिजिन क्या है ये जो होतियाँ हैं ये शेफ प्राइमली शेफ़्स होते हैं इनका पॉपुलेशन अराउंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पीपल हैं इस ट्राइब में और प्रिडोमिनेंटली किन किन एरियाज़ में ये लोग रहते हैं सिक्किम में त्रिपुरा में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल इन एरिया में इस कम्युनिटी के लोग इस ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे और भोतिया डिराइव होता है वर्ड बोध से ठीक है बोध क्लासिकल तिब्बतन नेम फॉर तिब्बत तो तिब्बतन लैंग्वेज में ही इस ट्राइब का नाम रखा गया है एथिनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है यहाँ पे लोगों का हिमालयन वैलीज ऑफ कुमाओं और गरवाल डिवीजन जो है यहाँ पे ये ट्राइब्स है दोनों जगह ही पाई जाती हैं के ये लोग भी आते थे और नोमिस्ट हैं एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव करते हैं वूल को ट्रेड करते हैं सोल्ट को ट्रेड करते हैं तिब्बत और इंडिया के बीच में एक बार स्नोमेल्ट हो जाती है बहुत सारे बहुत सारे जो कारवास हैं इनके म्यूल्स के क्योंकि जो एनिमल्स ये पालेंगे यॉक्स के ये ट्रैप मतलब इंडिया से तिब्बत तिब्बत से इंडिया ट्रैवल करेंगे इंडियन गुड्स के साथ तो इस तरीके से ये लोग तभी इनको नोमेटिक कहा जाता है और अपनी चीज़ें जो बनाते हैं उनको ये बेचते हैं इसी कम्युनिटी का एक बहुत डांस भी फेमस है इसलिए मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करूँ जीआई टैग की न्यूज़ आपकी यहीं तक थी कि ये जो कारपेट है ये जो लोग बनाते हैं नेचुरल डाइज यूज़ करके खुद हाथ से बना के ट्रेडिशनल मैन यूज करके उसको जीआई टैग मिला है अब इसी कम्युनिटी uh, से रिलेटेड एक बहुतिया डांस भी है जो कि काफ़ी फेमस है कस्टम रिचुअल फॉलोड ये जो एथनिक ग्रुप है इस कस्टम को फॉलो करता है ये डांस काफ़ी सेंचुरी से चला आ रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन uh, तक और सेंचुरी से इसके स्टेप्स चेंज नहीं हुए हैं क्योंकि कई बार मॉडर्नाइजेशन का फर्क पड़ता है आप कल्चर चेंज हो जाता है बट इस डांस के स्टेप्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है प्रिजर्व्ड कस्टम्स हैं इसके यूजुअली ये डांस तब किया जाता है किसी के फ्यूनरल पे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस ट्राइब में ऐसा बिलीफ है कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो गोट्स या शीप्स में आ जाती है और वहाँ से आत्मा को लिबरेट कराने के लिए उसको वहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए ये लोग ये डांस परफॉर्म करते हैं तो भोतिया ट्राइब का ये डांस बहुत ज़्यादा फेमस है इसके अलग अलग स्टेप्स हैं भोतिया लैंग्वेज बोली जाती है तिब्बतन बर्मन लैंग्वेज जैसा इनका है वेडिंग्स इनके हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होते हैं मतलब बिल्कुल हिंदू रिचुअल्स जैसे नहीं मिलते जुलते वैसे होते हैं जैसे वाइट जो है दुल्हन है दूल्हे के घर जब आएगी तो देवी देवताओं की पूजा होगी फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा उसको चावल या राइस दिए जाते हैं फिर वो वाइफ जो बारबर की होती है उसको देते हैं जिसको कर्ज भरना बोलते हैं और पॉलीगैमी है इस ट्राइब में लेकिन आप तीन से ज़्यादा बीवियाँ नहीं रख सकते तो मैक्सिमम थ्री वाइफ्स और एक जो पहली बीवी होती है उसको हेड वाइफ बोलते हैं ये लोग और प्रॉपर्टी जैसे डिवाइड होती है तीनों बीवियाँ अगर किसी की तीन बीवियाँ तो तीनों में इनहेरिट करेंगी प्रॉपर्टी uh, अगर वो बराबर लेकिन जो फर्स्ट वाइफ है हेड वाइफ उसको वन बाई टेंथ जो एक दसवां हिस्सा है वो ज़्यादा मिलता है हस्बैंड की एस्टेट का ओके okay, तो ये इस बहुत ही ट्राइब के बारे में था जोग्रफिकल इंडिकेशंस के बारे में क्विक रिकैप देख लेते हैं किसी भी जगह के प्रोडक्ट को क्राफ्ट को अगर जी टैग मिलता है उसकी प्लेस ऑफ औरिजिन की वजह से मिलता है और उसका प्रूफ होना चाहिए मैक्सिमम इसका पीरियड वैलिडिटी का टेन इयर्स है 2004 में इंडिया को इंडिया ने पहली बार दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया था और प्रोटेक्टेड है हमारा एक एक्ट है द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 ट्रिप्स अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी हम अपनी काफ़ी चीज़ें चलाते हैं डब्ल्यू टी का मेंबर भी है इंडिया ये कुछ कुछ बातें हैं जो जी आई से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए कंसीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस भुतियादान भुतियादान यूनिक फॉर्म ऑफ हैंड नॉटेड कार्ड दैट इज वोवन इन उत्तराखंड ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड इज शीप दैट प्रोवाइड द वूल आर रियड बाई दिस ड्राइव दैट लो ऑल्टीट्यूड तो क्लोजली मोनिटर कीजिए इन सेंटेंसेज को कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका आंसर जो है वो मुझे दे सकते हैं uh, टेलीग्राम पर आपको सही आंसर भी मालूम चल जाएगा बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए अप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ई एम आई पर भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच